कैसे मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तकरीबन 4-5 दिन तो मैं बेहोश पड़ी रही, मुझे कोई होश नहीं रहा। मुझे नींद के इंजेक्शन दिए गए और उसके बाद जो भी मेरी तबीयत थी, जो भी मेरा हाल था ना, वो सब कुछ मेरी अम्मी ने आप तमाम बहन भाइयों को बताया। लेकिन आज कल से मेरी तबीयत ठीक है। जब मैं होश में आई, मुझे पता चला, मैंने सबकी वीडियोस देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ। खास करके यूनिस के अबू की वीडियो देखकर तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ। अबू आप ऐसा तो ना कहते ना, यूनिस मुझसे तो बहुत अच्छा था, मुझसे इतनी प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था। मुझे कोई गम नहीं है, मैं खुश हूँ कि मेरा यूनिस ने मुझसे इतना प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था। मेरे साथ वीडियोस है, मेरे पास उसकी यादें हैं। ये यूनिस का अब्बू आप देखें कि ये मुझे मोबाइल 2 यूनिस ने दिए थे और 2 अदद मेरी अम्मी ने जो है वो तोड़ दिए थे। इनके अलावा मेरे पास मेरे यूनिस की यादें हैं और उसके अलावा वीडियोस हैं, सब कुछ है। मैं उनको देखकर अपनी जितनी भी मेरी जिंदगी बची हुई है मैं गुजार लूंगी। अकेली बैठी हूँ, कोई नहीं है। अभी मैंने ऐसे मोबाइल उठाया हुआ था तो अचानक उसकी अब्बू की वीडियो आ गई। तो अब्बू मेरे पास यूनिस की यादें हैं, मेरे साथ वीडियोस हैं, सब कुछ है। खुशी खुशी हम वीडियोस बनाते थे, सब कुछ करते थे। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास उसकी यादें हैं, उसकी निशानी है। मैं जीतूंगी, मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास इतनी प्यार करने वाली अम्मी है। उसके अलावा मेरे साथ यूनिस का प्यार भी है जो मुझसे वो बहुत करता था। पता नहीं कौन से लोगों ने की नजर लग गई, पता नहीं कि कौन बंदा खा गया मेरे यूनिस को। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देगा और मुझे रोना इस बात पर नहीं आ रहा। मैं इस बात पर नहीं रोती कि यूनिस मुझे छोड़ गया या वो यूनिस इस दुनिया में नहीं रहा। यूनिस अभी भी मेरे दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन जब मैं लोगों की वीडियोस देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मुझे तो बहुत दुख होता है कि यूनिस के साथ जिसने भी किया, जो कुछ भी हुआ, कि क्या हुआ, मुझे कभी कोई सही बात का पता नहीं चल रहा। लेकिन जो लोग जो कहते हैं ना, कहने दो, मैं उनको कह दूं कि आप लोग जो कहते हैं करने, जो भी होता है करते रहो। लेकिन अब्बू आप जिसको भी वीडियो बना कर दो, जो भी करो, एक दिन आप रोओगे, आप पछताओगे। मेरे साथ तो उसकी वीडियोस भी है, सब कुछ है, वो है, आपके सामने भी आएंगी, आपको रोना आएगा। मुझे तो खुशी महसूस होगी कि मेरे पास यूनिस मेरे साथ हंस हंस के खुश होकर वीडियो बनाता था। हौसला देने के लिए मेरे पास मेरी अम्मी भी है। जब बब्बू आपको अपने बेटे की याद आएगी ना, जब आप रहोगे ना, तो आपको कोई चुप कराने वाला भी नहीं होगा। अगर मैं ज्यादा रोती हूँ तो मेरी अम्मी है, और उसके अलावा यूट्यूब पर भी सब बातें कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो तंग आकर मैंने कहा ना मैं रहूंगी, यूनिस नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैंने चलती बाइक से छलांग लगा ली,
मैंने ये सोच कर लगाई कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे फिर भी जिंदा रखा। वो इसलिए रखा कि यूनिस, जिसकी भी वजह से यूनिस ने ये कदम उठाया है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया है। मैं उसका बुरा अंत देखने के लिए मुझे अल्लाह पाक ने एक नई जिंदगी दी है, और मैं ये जिंदगी रो रो कर नहीं गुजारूंगी। मेरे साथ यूनिस अभी भी है, उसके मेरे दिल में उसके लिए यादें हैं, वीडियोस हैं, जो भी है, मैं सारा दिन देख देख कर, मेरे एक दिन दो दिन ऐसे धीरे धीरे मेरी जिंदगी के दिन खत्म हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। लेकिन आपकी वो हालात थी, आप उसको कभी नहीं भूल सकोगे, आप पल पल रोओगे। मैं खुद को संभाल लूंगी, मेरी अम्मी भी है, मेरे सब बहन भाई भी है, मैं किसी तरीके खुद को समझा लूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा यूनिस मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, वो मेरे लिए उसने बहुत कुछ किया था। लेकिन तुम अब्बू, एक दिन तुम बहुत रोओगे, तुम्हारे पास वो वक्त भी याद नहीं आएगा, तुम बहुत रोओगे। मैं, आप भूल जाओ जो कर जाओ, लेकिन ना मैं यूनिस को कभी भूल सकी हूँ, और ना ही मैं कभी भूलना चाहूंगी। बाकी अल्लाह पाक इंसाफ जरूर करेगा, मैं तो एक दिन जरूर देखूंगी, जिसकी भी वजह से जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मैं अल्लाह पाक पर मैंने छोड़ दिया है। अरे पप्पू, आप हर बात पर कह रहे हो कि मैंने अपना फैसला खुदा की अदालत में छोड़ा हुआ है, तो क्या खुदा को मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही होगी? क्या जो मेरे साथ हुआ है, क्या वो खुदा को नजर नहीं आ रहा होगा? बेशक बेशक खुदा इंसाफ जरूर करेगा, आप भी भरोसा रखो, मैं भी भरोसा रखूंगी, हम सब भरोसा रखते, खुदा इंसाफ जरूर करेगा। अल्लाह पाक बेनियाज है, उसके आगे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो इंसाफ जरूर करेगा। आप परेशान ना हो अबू, आप भी परेशान ना हो, इंसाफ जरूर होगा। बाकी मुझसे पूछो कि मुझ पर क्या बीत रही है।